आ जाओ आ जाओ, ध्यान से आ जाओ आ जाओ। बाबा आई एम सो एक्साइटेड, अब हमें दादा अम्मा के घर बहुत दिनों बाद आए। हाँ दादो अम्मा ही बहुत पूछती हैं तुम्हारा। तो मुझे मेहंदी लगाएंगी ना? हाँ जी बिल्कुल लगाएंगी, चलो अंदर चले। अरे कौन है भाई, आ रही हूँ एक मिनट। वालेकुम सलाम, आज तो मेरे शहजादा शहजादी भी आए हैं। सलाम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। दादो विक्की कहाँ? अरे भाई विक्की अंदर है, उसे तो जब पता चलेगा खुशी से छलांगे लगाता आएगा। चलो तो सही अंदर। मैंने उसे पढ़ने के लिए बिठाया था लेकिन अब कहाँ टिकेगा वो, भागा आएगा। इधर आओ मेरे पास तो आओ, जला पाल तो दे दो। इतने दिनों के बाद नजर आते हो, मेरी तो आंखें तरस जाती हैं। हर दफा आते हैं तो लगता है बच्चे बड़े हो रहे हैं। कम से कम जल्दी जल्दी लाया करो इनको, मेरी बच्ची। अच्छा मैं आपको विक्की के पास भेजती हूँ। हबीबा हबीबा, आपको अभी विक्की के पास भेजती हूँ। हाँ भाई इन्हें विक्की के पास ले जाओ, जाओ खूब खेलना। इसलिए तो मैं कहता हूँ आपको, कभी आप भी चक्कर लगा लिया करें। बेटा मेरा दिल घबराता है तुम्हारे घर में, तुम्हें पता तो है। अब तुम बच्चों को लाने से पहले मुझे बता देते, मैं इनके लिए कुछ अच्छी चीजें बना लेती। वैसे हबीबा भी बहुत जल्दी से बना लेगी मिनटों में। मी इसी को जरूरत नहीं। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी कह रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कह रही हूँ, उन्हें तो जरूरत है ना। हबीबा साहब जी, भाई को पानी दे दो। चंदन दीदी कहाँ है साहब जी, कैसी है वो? ठीक है। उन्हें भी आप साथ ले आते, कितना मजा आता। वैसे उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, खास तौर पे हलीम। वैसे जन्नत बीबी से कहिएगा आप कि मैं उनका शो बहुत शौक से देखती हूँ, और एक बार भी नहीं दो बार। बच्चे खेल रहे होंगे, आप परेशान ना हो मैं देख लेती हूँ। बस देखिएगा कि कुछ चीज ना तोड़ दें। अरे बेटा कुछ टूट भी गया तो क्या हुआ, बच्चों का अपना घर है। अच्छा मैं उनके लिए जाके कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ, हबीबा मिनटों में बना लेती है। हबीबा जरा वो निकालना मैक्रोनी।